मामले के सह अभियुक्त चौंपराज साहू के इकरारनामे को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट पूरे मामले में चंदन महतो और चौंपराज साहू को दोषी पाती है और चंदन महतो को फांसी, चौंपराज साहू को उम्र कैद की सजा देती है। एसपी साहब, कोर्ट चंदन को सजा तो सुना सकती है, लेकिन उस सजा का पालन हो इसके लिए जरूरी है कि या तो चंदन भैया सजा को मन से स्वीकार कर लें या फिर बहुत कमजोर पड़ जाएं। वो कैसे करेंगे आप?